हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ब्रेड एंड स्केल। ब्रेड एंड स्केल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे नॉर्थसाइड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज हम लोग उसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रेड एंड स्केल क्या होता है? ब्रेड एंड स्केल एक स्पेशल स्कोरिंग सिस्टम है जिसमें कि हम लोग इवेल्युएट करते हैं एक पेशेंट का रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रेशर अल्सर को, और शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं ये एक स्केल है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर अल्सर के रिस्क को प्रिडिक्ट करेंगे। तो ब्रेड एंड स्केल क्या हुआ? यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन ऑफ द प्रेशर अल्सर रिस्क को, ठीक है। तो ब्रेड एंड स्केल कौन एक ऐसा स्केल है जिसमें कि हम लोग प्रेशर अल्सर के रिस्क को प्रिडिक्ट करते हैं। अब दूसरी बात है कि इसको इन्वेंट करा बारबरा ब्रेडन ने, इसी के नाम पे इस स्केल का नाम पड़ा है, बारबरा ब्रेडन ने। और अलोंग विद इसके साथ किसने कराया है, हमारे पास नैन्सी ब्रेगस्ट्रॉम ने, ठीक है। दूसरा है हमारे पास नॉर्थवेस्ट में क्वेश्चन आता है कि ये जो स्केल है ये कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ, तो ये हमारा हुआ 1987 में। इसको अच्छे से याद करना है आपको, कब हुआ ये, 1987 में। तो ये एक स्केल है जिसमें हम प्रेडिक्ट करेंगे प्रेशर अल्सर के रिस्क को, इसको इन्वेंट करा बारबरा ब्रेडन ने और नैन्सी ब्रेगस्ट्रॉम ने, ठीक है। कौन से ईयर में करा, 1987 में। अब हम लोग देखेंगे इस स्केल में क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हम लोग इसकी स्कोरिंग निकालते हैं। तो इसमें हमारे पास होता है टोटल सिक्स कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होगा इसका सेंसरी परसेप्शन, दूसरा होगा इसका एक्टिविटी, तीसरा होगा इसका मॉइस्चर, फोर्थ होगा इसका मोबिलिटी, फिफ्थ होगा इसका न्यूट्रिशन, एंड सिक्स होगा इसका फ्रिक्शन एंड शेयरिंग, ठीक है। इसमें भी स्टूडेंट्स ऐसे स्कोर निकाला जाता है, जैसे सेंसरी परसेप्शन में भी स्कोरिंग होती है 1, 2, 3, 4, इसका अलग अलग क्राइटेरिया। इसमें आपकी एक्टिविटी में भी 1, 2, 3, 4 ऐसे क्राइटेरिया, जैसे हमारा जीसीएस स्केल होता है ना, उसमें भी स्कोर देते हैं ना हम लोग 5, 4, 3, 2, वैसे इसमें भी होता है। मॉइस्चर में भी सेम होगा 1, 2, 3, 4, न्यूट्रिशन मोबिलिटी में भी सेम होगा 1, 2, 3, 4, और ये जो है लास्ट में फ्रिक्शन एंड शेयरिंग में स्टूडेंट तीन ही क्राइटेरिया होता है 1, 2, 3। अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम और मिनिमम जो स्कोर होता है वो होता है, मिनिमम स्कोर होता है स्टूडेंट इसका 6 और मैक्सिमम स्कोर होता है 23, ठीक है। अगर हम लोग इसकी रिजल्ट की बात करेंगे इस स्कोर की, तो अगर हमारे पास कोई रिस्क नहीं है तो उसमें स्कोर होगा मोर देन 19। माइल्ड रिस्क की बात करेंगे अगर हम, तो उसमें स्कोर होगा 15 to 18। मॉडरेट रिस्क की बात करेंगे अगर हम, तो उसमें स्कोर होगा स्टूडेंट 13 to 14। और अगर सीवियर रिस्क की बात करेंगे तो उसमें स्कोर होगा 10 to 12। लास्ट में जो स्कोर होगा वो होगा वेरी सीवियर रिस्क। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्थसाइड में, वेरी रिस्क, वेरी सीवियर रिस्क का, तो इसका स्कोर होगा लेस देन 9, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, 6 कंपोनेंट है, एक सेंसरी परसेप्शन है, एक्टिविटी है, मॉइस्चर मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन एंड शेयरिंग।
मिनिमम स्कोर होता है 6, मैक्सिमम स्कोर होता है 23। रिजल्ट की बात करेंगे अगर हम, नो रिस्क है तो 19 से ज्यादा, माइल्ड है तो 15 से 18, मॉडरेट है तो 13 to 14, सीवियर है तो 10 to 12, अगर वेरी सीवियर रिस्क है तो लेस देन 9। ठीक है, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा आज ब्रैडन स्केल को। ब्रैडन स्केल किस लिए यूज होता है, जिसमें हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे प्रेशर अल्सर के रिस्क को। इसको इन्वेंट किसने करा, बारबरा ब्रैडन ने और नैन्सी ब्रेकस्टोन ने। बारबरा ब्रैडन के नाम पे इसको नेम दिया गया है ब्रैडन स्केल। इसको इन्वेंट करा 1987 में। इसके अंदर 6 कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं हम लोग, जो कि मैंने बताया आपको, सेंसरी परसेप्शन, एक्टिविटी, मॉइस्चर, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, फिक्शन एंड सियरिंग। मिनिमम स्कोर है 6 और मैक्सिमम है 23। थैंक यू स्टूडेंट्स।